गंगा मैया हरिद्वार में आपने लोहे के जाल से लड़कों को पुल के ऊपर से नारियल पकड़ते खूब देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी तकनीक दिखाने वाला हूं जिसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर गंगा मैया के तेज भाव के बीच पतले से पाइप के ऊपर खड़े होकर पकड़ते हैं नारियल, सोना, चांदी और पैसा। किस तरह निकालेंगे ये? ओ मिस हो गया भाई, मिस हो गया। ओ भाई जब पकड़ ले नारियल। मैं यहाँ पे अभी पुल के ऊपर खड़ा हूँ और नीचे गंगा मैया जी बह रही है और यहाँ पे एक पाइप है और उसके ऊपर ये भाई चल रहे हैं और पीछे ले रखा है ना डंडों के साथ एक जाला बांधा हुआ है और उसके अंदर नारियल पकड़ते हैं। ये देखो नारियल आ रहा है तो उधर जाते हैं दूसरी तरफ दूसरे छोर पे और आपको दिखाते हैं कि अब ये भाई भाग के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। हटना भाई साहब, ये देखो पहुंच चुका भाई मेरे से पहले, ये पकड़ लिया जी नारियल। ये तो गंदगी निकाल दी भाई साहब। तो भाई गंगा मैया बहुत से लोग गंदगी कर देते हैं तो भाई उनको भी बाहर कर देते हैं और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और जितने भी नारियल आते हैं देखो उधर कोने पे इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में इनको दोबारा से रीसेल किया जाता है और फिर उसको दोबारा से पूजा पाठ के काम में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लग रहा है कुछ माल मसाला भाई साहब, गंदगी नहीं है कुछ माल मसाला है, उधर छानने देखते हैं क्या निकलेगा इसके अंदर। और भाई मैं तो आया था वीडियो बनाएंगे तो भैया ने मना कर दिया कि भैया वीडियो नहीं बनवाते, तो मैंने सोचा कि इनकी नई तकनीक आपको दिखानी चाहिए। निकल गया भाई एक नारियल, उसमें निकल गया, हो गया भाई काम। अरे वो कपड़ा भी धुल लिया अच्छे से भाई, फिर से घात लगा के बैठ गए, बिल्कुल जैसे चील अपने शिकार के लिए, शेर अपने शिकार के लिए बैठ जाता है वैसे यहाँ पे भाई नारियल के लिए तैनात हो चुके हैं। ये देखो भाई, भाई आ रहा है नारियल, भाई निकल के भाई, ओ भाई साहब पाइपों पे छलांगे मारते हुए ये जा रहे हैं भाई नारियल पकड़ने के लिए। फूल अपनी छड़ी ले रखी है, उसमें जाल बना रखा है और देखते हैं आगे से ये अरे वाह भाई वाह, भाई कपड़ा भी पकड़ लेते हैं, भाई कपड़ा नारियल सब पकड़ लेते हैं और गंदगी भी बाहर निकाल लेते हैं, जो आ जाए गंगा मैया में से सब निकाल लेते हैं भाई साहब। ये देखो आप किस तरह निकालेंगे ये, ओ मिस हो गया भाई, मिस हो गया, वो तो मिस हो गया, नारियल चला गया जी। तो कभी कभी भाई मिस भी हो जाता है और जब यहाँ से मिस हो जाता है तो उस पुल के ऊपर दो तीन लड़के खड़े रहते हैं जो नारियल वहाँ से जाल फेंक के पकड़ लेते हैं और यहाँ से भाई जाने नहीं देते। पहली बात तो भाई कपड़ा काम का नहीं था, भाई ने कपड़ा बांध दिया गंगा जी में दोबारा से और फिर से घात लगा ली है और ये चलेगी जी। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ एक बारी ये कहाँ पे जाएंगे, ये देखो, ओ भाई जब पकड़ ले नारियल, कमाल जी कमाल भाई साहब, इतनी देर देते हैं इनको चील की तरह भाई साहब, घात लगा के बैठना पड़ता तब जाके एक नारियल फंसता है। उधर से एक नारियल छूट गया, वैसे वो चला गया उधर से नारियल, इनकी नजर नहीं पड़ी शायद। अरे वाला नारियल नहीं लेते, ऐसे ही ऐसे लेते, अच्छा सूखा नारियल नहीं लेते। फिर आ गया, आ गया, आ गया, कुछ आ गया, ये गया जी, ये गए और ये आया जी बड़े प्यार के साथ नारियल यहाँ पे और रस्सियों के जाले के अंदर भाई साहब दो दो नारियल फंसा के ले गए। और कुछ लोग आके भाई गंगा मैया में गंदगी करते हैं तो ध्यान रखे गंदगी ना करें, जगह जगह कपड़े टंगे हुए दिख जाते हैं तो बुरा लगता है। ये देखो कपड़े बहते हुए जाते हैं, तो भाई गंगा मैया गंदगी ना करें, गंगा मैया में आए स्नान करें साफ सफाई से और अपने पाप को धोएं, अपने पितरों की मुक्ति के लिए आए लेकिन गंदगी ना फैलाएं।